हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अनुष्टुप दे है। मैं सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोक्टोलॉजी रिलेटेड कुछ कॉमन डिजीजेस और उनके नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। प्रोक्टोलॉजी में तीन कॉमन डिजीजेज इंक्लूडेड हैं, जिसमें सबसे कॉमन है पाइल्स, जिसको बवासीर या मेडिकल टर्म में हम लोग हेमराइड्स भी बोलते हैं। दूसरे में है एनल फिशर और तीसरे में है एनल फिस्टुला। इसके साथ और एक कॉमन डिजीज आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पाइलोनाइडल साइनस, क्योंकि इसका लोकेशन और जो नए ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये बाकी तीनों के साथ मिलता जुलता है, काफ़ी कॉमन है और सिमिलर है। नाउ प्राइमरीली जो इन डिजीज़ों का प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको बताने में या डिस्कस करने में या डॉक्टर के पास आने में यूजुअली शर्माते हैं, तो डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में लेट पहुंचते हैं, तो ऑब्वियसली जो डायग्नोसिस होता है वो लेट हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि डायग्नोसिस के बाद जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये बहुत ही पेनफुल है, जिसमें काट के निकालते हैं, जख्म होता है, तो ऑब्वियसली लोग अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ जब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस का, तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट कराते नहीं हैं या लेट ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी डिस्कम्फर्ट या पेन होता है। बट जो हमारा करंट लेज़र टेक्नोलॉजी है, जिसके साथ हम लोग अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो बहुत ही कन्वीनियंट है और कंफर्टेबल है। इसमें पेन सिग्निफिकेंटली कम है, दर्द कम होता है, जख्म भी नहीं होता है, सो ऑब्वियसली पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में रहना, स्टे यूजुअली डे केयर हो जाता है कि सेम डे ऑपरेशन करके मरीज घर जा सकते हैं। सेकंड जो बेस्ट है वो है कि अगर पेन हो और हॉस्पिटल स्टे कम हो और रिकवरी भी जल्दी हो, तो मरीज अपना ऑफिस या बिजनेस अर्ली ज्वाइन कर सकते हैं, तो लेज़र सर्जरी पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। नाउ अगर डिजीज की बात करें, जो कॉमनेस्ट है वो है हेमराइड्स, जिसको पाइल्स या बवासीर बोलते हैं। इसमें प्राइमरी सिम्टम जो होता है वो है ब्लीडिंग। मरीज को लैट्रिन करने के बाद या मोशन करने के बाद ब्लीडिंग होता है और उसके साथ भी ब्लीडिंग हो सकते हैं। ये कॉमनली बिकॉज ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, लंबा टाइम कब्ज होने के कारण जो मस्से होते हैं लैट्रिन के रस्ते में वो फूल जाते हैं या सूजन हो जाते हैं, और सूजन होने के कारण वहाँ से ब्लीडिंग हो जाते हैं। इसका अगर ग्रेडिंग की बात करें, इसको ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक इसका सीवियरिटी देखा गया। ग्रेड 1 में जो कॉमन सिम्टम होता है वो है ब्लीडिंग, और ग्रेड 4 जो सबसे एक्सटेंसिव है उसमें ब्लीडिंग के साथ जो मस्से होते हैं वो फूल जाते हैं और लैट्रिन के रास्ते से वो निकल जाते हैं। नाउ प्राइमरी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें दो हिस्से में डिवाइडेड है, एक तो है मेडिकल, दूसरा है सर्जिकल। मेडिकल ऑप्शन में यूजुअली मरीज को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए दवाई दिया जाता है, लैक्सिटिव देते हैं, उसके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं, और ब्लीडिंग कम करने के लिए यूजुअली दवाई दिया जाता है। मेडिकल ऑप्शन यूजुअली ग्रेड 1 या अर्ली ग्रेड 2 में करते हैं, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में यूजुअली सर्जरी एडवाइसेबल है। सर्जरी काफ़ी वैरिड है, इसमें कॉमनली बैंडिंग करते हैं, स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, ओपन सर्जरी करते हैं जिसमें काट के निकालते हैं मस्से, और स्टेपल सर्जरी करते हैं। स्टेपल सर्जरी में एक स्पेशल मशीन के द्वारा मस्से को काट के निकालते हैं और स्टेपल साथों साथ करते हैं। बट अभी जो हम लोग लेज़र टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इस सर्जरी में, उसमें एक छोटे सुराख के थ्रू, इट इज़ लाइक अ रिफिल ऑफ अ पेन, एक छोटे सुराख के थ्रू जो मस्से है वहाँ तक पहुँच के जो एक स्पेशल लेज़र फाइबर है उसके थ्रू इस मस्से को जला के ख़त्म कर देते हैं। ये अगर मेडिकल टर्म में बोले इसको एब्लेट करते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक जैसे छोटे सुराख से ऑपरेशन करते हैं तो ऑब्वियसली कोई ज़ख्म नहीं होता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है उस पेशेंट्स के लिए जिसमें डायबिटिक्स है, एल्डरली पेशेंट है, जिसमें ज़ख्म भरने का चांसेस बहुत ही स्लो है या टाइम लगता है ज़ख्म भरने में, तो
लेज़र हेमराइड्स काफ़ी कन्वीनियंट है इन सब मरीजों के लिए। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है एनल फिशर। एनल फिशर में जो कॉमन सिम्टम है वो है पेन, दर्द होता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण लैट्रिन का रास्ता कट जाता है या उसमें जख्म हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सीवियर पेन होता है पेशेंट्स को। इसमें ब्लीडिंग यूजुअली बहुत कम होता है। जो लेज़र सर्जरी कर रहे हैं हम लोग फॉर एनल फिशर, इसमें जो सर्जरी करते हैं उसका नाम है फिशरेक्टमी, जिसमें बेसिकली करते हैं कि जो जख्म होता है उसको काट के निकाल देते हैं और साफ कर देते हैं कि जख्म जल्दी भर जाए। उसके साथ जो पेन है, पेन रिलीफ के लिए स्पिंक्टोटॉमी करते हैं और वो काफ़ी कन्वीनियंट है और पेन रिलीफ उसमें बहुत ही इमीडिएट है। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर मरीज का पेन रिलीफ हो जाता है और मरीज अगले दिन बहुत कंफर्टेबली घर जा सकते हैं। जो थर्ड डिजीज है वो है एनल फिस्चुला। एनल फिस्चुला का जो सिम्टम है वो स्लाइटली डिफरेंट है बाकी दोनों के साथ। उसमें लैट्रिन के रास्ते के पास छोटे से सुराख बन सकता है जो सिंगल हो सकता है या मल्टीपल सुराख बन जाते हैं, जहां से डिस्चार्ज जो मवाद हो सकता है या वाटरी डिस्चार्ज इंटरमिटेंटली मतलब कभी कभी निकलता रहता है। ये कॉमन मरीजों को सबसे प्रॉब्लम होता है कि ये जो इंटरमिटेंट डिस्चार्ज है ये काफ़ी हफ्ते या महीने तक मरीज को परेशान कर सकता है। जो लेज़र सर्जरी कर रहे हैं हम लोग एनल फिस्चुला के लिए, उसमें जो सुराग है उसका पहले सफाई करते हैं और एक स्पेशल किस्म का रेडियल लेज़र फाइबर द्वारा हम लोग उस सुराग से अंदर जाके इस ट्रैक्ट को, जो फिस्चुला ट्रैक्ट है, उसको जला देते हैं और एब्लेट कर देते हैं। लेज़र फिस्चुला में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो मसल है जो हमारा लैट्रिन का कंट्रोल करते हैं, इसमें हमारा लेज़र फाइबर से मिनिमल डैमेज होता है, मतलब सबसे कम डैमेज होने का चांसेस है। क्योंकि ये फिस्चुला ट्रैक्ट है, ये हमारा मसल को इन्वॉल्व कर सकता है और एज अ सर्जन हमें जब सर्जरी करते हैं फिस्चुला का, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मसल है उसका डैमेज सबसे कम हो। तो लेज़र फिस्चुला का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मसल डैमेज का चांसेस बहुत ही कम है। नाउ द थर्ड डिजीज, थर्ड पाइलोरिडल साइनस, सॉरी द फोर्थ है पाइलोरिडल साइनस। इस बीमारी को हम लोग जीप बॉटम भी बोलते हैं क्योंकि ये कॉमनली ड्राइवर्स में देखा गया है और इसका कॉमन कारण होता है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो पेशेंट्स यूजली बैठे रहते हैं, बैठे रहने का काम होता है, उसमें ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि जो हेयरी लोगों में इसमें ज़्यादा कॉमन है। इसमें भी पीठ के नीचे वाले हिस्से में जो बटक्स के बीच में छोटा सा सुराख बन जाता है, जहाँ से एज सिमिलर टू फिस्चुला इंटरमिटेंट डिस्चार्ज निकलता रहता है। सिमिलर टू फिस्चुला हमारा ट्रीटमेंट पाइलोरिडल साइनस का ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसे ही हम लोग उसका ट्रैक का सफाई करते हैं और लेज़र ट्रैक द्वारा, जो लेज़र फाइबर द्वारा उस ट्रैक को सफाई करके उसको जला के यूजुअली एब्लेट कर देते हैं। नाउ ये सारे लेज़र ट्रीटमेंट का एडवांटेज क्या है? अगर ओवरऑल देखें, लेज़र ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक्यूरेसी। जो लेज़र फाइबर है उसका जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, अगर हम देखें, हम लोग अभी जो लेज़र फाइबर यूज़ कर रहे हैं उसका जो नैनोमीटर, अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले, उसका 1470 वेवलेंथ का फाइबर है। ये जो करंट जनरेशन है इसका डेप्थ ऑफ डैमेज जो टिश्यू जलाते हैं वो करीब 2 मिलीमीटर है, 1 से 2 मिलीमीटर है। एज अ सर्जन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टिश्यू का डैमेज होता है वो बीमार टिश्यू का डैमेज हो और डिस्ट्रक्शन हो, जो पास का जो नॉर्मल टिश्यू है उसका डैमेज सबसे कम हो। जो लेज़र फाइबर है इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ये डिजीज टिश्यू दिलाते हैं और जो पास का नॉर्मल टिश्यू है उसका डैमेज सबसे कम होता है। दूसरा जो एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये ऑब्वियस जो है वो है, छोटा सुराग होता है जिसके थ्रू सर्जरी करते हैं
तो ऑब्वियसली पेन कम होता है। थर्ड एडवांटेज, ऑब्वियसली अगर जख्म नहीं होता है तो मरीज को बहुत कंफर्टेबल है। हॉस्पिटल स्टे इज यूजुअली डे केयर, मरीज सेम डे घर जा सकते हैं या अगले दिन अपना घर जा सकते हैं। रिटर्न टू वर्क, जो अपना ऑफिस ज्वाइन करना या अपना काम ज्वाइन करना या बिजनेस ज्वाइन करना बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है, एंड विद इन 5 to 7 days मरीज अपना ऑफिस या काम पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस जो हम लोग अभी लेजर फाइबर द्वारा जो सर्जरी कर रहे हैं प्रोक्टोलॉजी का, दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ लेजर इन प्रोक्टोलॉजी डिजीज ट्रीटमेंट। बट आपको बेसिकली दो या तीन चीज, आई वॉन्ट टू स्ट्रेस फॉर ऑल डिजीजेस, हमें तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ मेडिकेशन या अपने आप मेडिकेशन ना करें, एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशन बिना डायग्नोसिस के दवाई के शॉप पे जाके अपना मेडिकेशन ना करें। नंबर टू, अर्ली डायग्नोसिस, जब सिम्टम्स हो तब हॉस्पिटल जाए और अपना डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस कराए। नंबर थ्री, अर्ली ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस के साथ इट इज़ ऑलवेज बेटर, अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट है या सर्जिकल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्ट अर्ली सो दैट रिकवरी भी काफ़ी जल्दी हो एंड क्विक रिकवरी हो। लास्टली, जो अभी करंट कोविड चल रहा है और डेंगू का जो करंट पैंडेमिक चल रहा है, ऑब्वियसली काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल आने में या हॉस्पिटल आने में डरते हैं बिकॉज ऑफ कोविड एंड डेंगू। आई वुड लाइक टू स्ट्रेस कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, द सर्जिकल डिपार्टमेंट जो हमारा है सर्वोदय हॉस्पिटल में, वी हैव इंश्योर्ड कि सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रॉपर